बैग स्टील करना था और वो कर लिया है। कर लिया डेफिनेटली, बट दूर दराज देखिए काफी सारे डॉट्स आ चुके हैं मिनी मैप के अंदर। यहाँ पे टीम जीरो कोशिश करेंगे कि कुछ तरीके से बच निकले सिचुएशन से, बिकॉज कोई भी सेफ नहीं। यहाँ पे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का फाइनली एम्बुश आता हुआ, बट दो खिलाड़ी ऑलरेडी नॉक डाउन हो चुके, पूरा का पूरा दारोमदार यहाँ पे स्लग और मावी के ऊपर, बट दोनों खिलाड़ी यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स जिन गलतियों का, जिन इंप्रूवमेंट्स का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डेफिनेटली नहीं आता हुआ, बट यहाँ पे टीम जीरो काफी ज्यादा कशमकश कर रहे, कोशिश कर रहे कि सर्वाइव करे, बट नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने बोला, काफी ज्यादा टीम्स इस मुकाम पे आ चुके हैं। इस बार गॉडलाइक की एंट्री होगी फाइनली इस फाइट में। तीन खिलाड़ी लेके खेल जरूर रहे, बट अभी तीन खिलाड़ी मौजूद है सर्वर पे। लगता है जैसे कि जैसे पोजीशन हुई है टीम जीरो की, मुझे लगता नहीं यहाँ पे कम्पीट कर पाएंगे, बिकॉज काफी ज्यादा यूटिलिटी और एम्यूनेशन लेके आए गॉडलाइक। अभी के लिए टीम जीरो के सही है। चलिए फिलहाल के लिए कवर तो है इनके पास, लेकिन एक और खिलाड़ी सामने की तरफ, जेली उतरे तो है गाड़ी से, कवर में बैठ गए, लेकिन अब सैयद को भी डाउन कर दिया। चलिए जेली को फटाफट से हील करना पड़ेगा। गॉडलाइक के सभी खिलाड़ी गाड़ी का सहारा, राउंड एंड राउंड घूमते हुए हाइड्रा स्पर्श भी आ चुके हैं यहाँ पे। व्हाट इज हैपनिंग गाइस, स्पर्श को भी गाड़ी से डाउन कर दिया है। यहाँ एक अलग ही व्हीकुलर कंटेस्टमेंट देखने को मिल रही है, और अभी एक और प्लेयर डाउन होते हुए गॉडलाइक सिर्फ तीन खिलाड़ी के साथ, और सर्कल भी यहाँ से काफी दूर है। यहाँ पे अगर आपको पता होगा थोड़ा सा डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि सर्कल के अंदर प्रवेश कर पाए। बट ऑन दी अदर साइड हाइड्रा की अगर हम बात करें तो फिर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। टीम आरू के साथ ये फाइट ली जा रही है। यहाँ पे स्पर्श और स्प्रे गॉड बस दो ही खिलाड़ी मौजूद। आरू को स्पॉट डाउन करेंगे प्रोन शॉट लेने की कोशिश, बट स्प्रे गॉड भी डाउन हो जाएंगे हाइड्रा की तरफ से। ये मिस्टेक एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट ऑन द अदर साइड लौटा खिलाड़ी स्पर्श ओपी आएगा। टीम बच जाते तो मैं आपको जरूर बचा लूंगा, बट मैं अपनी जान आपके लिए डेफिनेटली नहीं रिस्क करूंगा। कभी कभार रिस्क लेना पड़ता है, कभी कभार आपको डिसाइड करना पड़ता है कि रिस्क क्यों नहीं लेना। कार्निवल गेमिंग जाती भी अक्सर को स्प्रे करके डाउन कर दिया एक बार, राइट वे कंफर्मेशन आ जाएगा बड़ा स्मूथली। डिस्टेंस बहुत कम था क्या, कार्निवल गेमिंग को अंदाजा नहीं था वहां पे खिलाड़ियों का। चलिए अभी के लिए तो नुकसान हो गया है, अब यू कैन नॉट ड्वेल ऑन द इशू, यू कैन नॉट ड्वेल ऑन द प्रॉब्लम। अब आप गुजरात क्लच गॉड, व्हाट एन अमेजिंग क्लच बाय द लैड, पता भी नहीं चला, रिफ्लेक्सेस दिखाए क्लच गॉड ने लेफ्ट राइट जिगल करते हुए, जिनका नाम है ट्रिगर। बट यहाँ पे देखिए दूसरी टीम यहाँ पे आ चुकी है, WSB का पुश आता हुआ, AKOP के कंधे पे ऊपर बहुत ज्यादा भार, बट पहला बंदा डाउन करेंगे। बहुत बढ़िया मूवमेंट का प्रदर्शन हमको देखने को मिल रहा है। गॉड्सरेन भी थर्ड पार्टी की सिचुएशन पे मौजूद, बट WSB कैसे रिएक्ट करेंगे इनसिन भाई? जिस तरीके से अनुज 2OP को डाउन किया ऐसा लग रहा था कहां जा रहे हो, पीछे से बुलेट चिपका दी सारी की सारी। हेलो कहां जा रहे हो आप, आगे कहां जा रहे हो, इधर आइए और अपने लिए नॉक निकाला। बट चलिए एक एक्टिव फाइट चलती हुई, अरमान की तरफ ग्रेनेड लग तो रहा है कनेक्ट होगा लेकिन नहीं हुआ, हल्का सा स्प्लैश डैमेज लगा है। बट अब अरमान की तरफ पुश करते हुए जा रहे हैं, विद गॉड हाथ में है DBS, सामने भी अरमान तैनात है DBS के साथ। माय गॉड ये शॉट देखिए, अरमान जंप लैंड ही कर रहे थे उतने में बुलेट लगी गॉडलाइक के ऊपर है, जो ग्रेनेड आपको चलते देखिए और यहां से ऊपर में निकलता और भगता दिखाता वो खिलाड़ी, ट्राई आउट डैमेज देने का मौका। देखिए आप तीन ही प्लेयर्स के साथ है तो दिक्कतें रहेंगे, लेकिन लीजिए टीम फरर के द्वारा टीम हाइड्रा को पूरे तरीके से वाइप किया। हाइड्रा वो पहली टीम बनती है जो लॉबी छोड़ के बाहर जाएगी, बट दूसरी कौन सी होने वाली, क्या वो विंड गॉड है या वो टीम गॉडलाइक है? बिकॉज विंड गॉड अपने चारों प्लेयर साथ आई है और गॉडलाइक तीन के साथ आई है, तो एक 3v4 है, अपने आप ही सिचुएशन में एक एडवांटेज आपको विंड गॉड के पास दिखेगा जरूर से। लेकिन लीजिए दरवाजे तोड़े जा रहे हैं न्यू प्लेयर के द्वारा, तंग किया जा रहा है न्यू प्लेयर, एक अच्छा कनेक्शन, पहला प्लेयर नॉकआउट, HP काफी कम, जगह काफी कम, कवर बहुत कम, और लीजिए बगल से एक और खिलाड़ी आता दिख रहा है, जरूर से वेपन चेंज करनी पड़ेगी। और उस यार कुछ शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल एंगल पता नहीं था, ये एक बहुत बड़ी गलती की मैक्स ने, रिवाइवल की वो प्रक्रिया चलती है और यहाँ एक एंट्री न्यू प्लेयर चाहेंगे जरूर से, और अगर नहीं की तो रिवाइवल शायद संभव हो। अंदर आ चुके हैं, स्मोक वॉज ऑलरेडी आपको काफी ज्यादा बेहतरीन क्रिएटेड दिखेंगी, जरूर से ढूंढना चाह रहे कि खिलाड़ी मौजूद तो मौजूद कहाँ, बट दोनों प्लेयर्स को ढूंढेंगे। एक और करेक्शन, न्यू प्लेयर सिंगल हैंडेडली पूरी टीम को बाहर करेंगे क्या, के लिए निकाली जरूर गया टीम फॉरएवर का भी इस दौरान एलिमिनेशन, और दूर बैठी टीम आइकोसोल देखिए आ तो जरूर थी, और मुझे लग रहा है कि शायद अब गॉडलाइक को सरप्राइज करने के इरादे से आ चुकी है, और जरूर देखना चाहेंगे ट्राई आउट और टीम आइकोसोल अब किस प्रकार की भिड़ंत देखने को मिलेगी। वो नॉकआउट ट्राई आउट का भी हो चुका है, अब देखना यह है कि न्यू प्लेयर और साथ साथ जेली, इनका ये डुओ है किस प्रकार टैकल कर पाएगा, क्योंकि अभी के लिए तो देखिए अंधाधुंध वो घुस चुके हैं, एक एक एंगल उसको चेकआउट कर रहे हैं। अभी के लिए न्यू प्लेयर ग्रेनेड है जरूर उनके हाथ में, लेकिन उससे क्या नॉकआउट मिल पाएगा, जी नहीं, शायद दूसरा एंगल को उनको चेकआउट करना चाहिए था, बट अभी के लिए एक अच्छी कोशिश लेकर एक 1v3 क्या मान्या ने निकाल दिया, जी हाँ 3 फ्रैग मान्या के,
अगेंस्ट टीम गॉट लाइक ज्यादा सेलिब्रेट भी नहीं।